हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी एस प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जिस तरह लास्ट टॉपिक में मैंने बताया कि हम एक और ब्राउज़र एक्सप्लोर करेंगे जो कि बिल्कुल इसी तरह के सेंटिनल 2, सेंटिनल 1, 3 एंड 4 तक का डाटा प्रोवाइड करता है। उसमें से हम रॉ डाटा भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर हमने अपनी मर्जी से उसके ऊपर यहाँ से किए हुए एनालिसिस के अलावा फर्दर एनालिसिस करने हैं तो। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मेरे पास ये जो है वो इसका ब्राउज़र ओपन हुआ हुआ है। सिंपली आप जाके नेट पे लिखेंगे गूगल में SCI Hub Sentinel, तो सबसे ऊपर जो है वो आपके पास ऊपर सबसे ऊपर जो है वो एक जो साइट आएगी उसका जो है मेन नाम लिखा होगा ओपन एक्सेस हब। तो आप इस पर क्लिक कर दें तो सिंपली आप डायरेक्टली जो है ना वो ब्राउज़र के ऊपर आ जाएंगे। इसका ये साइट का एक इंटरफेस है। हमने सबसे पहले वाला इसमें AP हब और काफ़ी सारे हब हैं, बट हमने ओपन हब पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओपन अप पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ब्राउज़र का जो है वो पाथ दे रहा है। तो ब्राउज़र में पाथ देने के बाद एक पहले सबसे पहले रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। आपके पास अगर कोई अकाउंट नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके ऊपर जो है ना वो रजिस्टर कर सकते हैं विद अपनी एनीथिंग, कोई भी ईमेल के साथ। तो रजिस्टर करने के बाद सिंपल आप एक्सप्लोर दी ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप जो है ना वो ब्राउज़र के ऊपर आ जाएंगे। तो आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस होगा। सिंपल ये EU ब्राउज़र की टाइप का ही एक ब्राउज़र है, लेकिन इसमें थोड़े फीचर एडवांस भी हैं और इसमें एक और चीज़ है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो इसमें से रॉ डाटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ब्राउज़र को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जो है मैं एनीथिंग कोई भी एरिया सर्च करता हूँ जिसमें मैंने अपने जो है ये एनालिसिस या उस एरिए का डाटा मुझे रिक्वायर्ड है। मैंने ये एक अपना जो है वो जिस एरिया में मैं चाहता हूँ, जिस एरिया में मुझे एनालिसिस चाहिए, मैं वो वाला एरिया इसमें फाइंड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं उस एरिए पे आता हूँ तो उसके बाद मैं सिंपल इसमें जो है वो एरिया ड्रा करता हूँ कि मुझे कौन से एरिया में अपने अपना डेटा रिक्वायर्ड है या मुझे एनालिसिस रिक्वायर्ड है। तो मैं सिंपल जो है वो इस एरिए को अपने को सिलेक्ट करता हूँ। एरिया सेलेक्ट करने का वही तरीका का राइट साइड पे जो है जिस तरह यू ब्राउज़र का था, सिंपल जो है वो आप सेकंड नंबर के ऑप्शन पे आएंगे तो ड्रा एरिया लगा देंगे। ड्रा एरिया लगाने के बाद मैं जो है वो सिंपल सर्च के ऑप्शन में जाता हूँ। ऊपर दो ऑप्शन है, विजुलाइज और सर्च, तो मैं सर्च के ऑप्शन पर जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है वो Sentinel-1, 2, 3, 5, 6 और CCM ऑप्शनल ऑप्टिकल का डाटा जो है वो शो हो रहा है, ऑप्शन शो हो रहे हैं और नीचे टाइम रेंज शो हो रही है। तो सिंपल मैं सबसे पहले जो है वो Sentinel-1 पे क्लिक करता हूँ। इसमें वो मुझे मार्क बता रहा है कि Level 1 का रॉ डाटा चाहिए, SLC चाहिए, GRD चाहिए, GRD COG चाहिए, Level 2 का OCN चाहिए। तो मैं उसको, अगर मैंने इसमें सिंपल एनालिसिस करने हैं तो मैं GRD सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने इसमें 3 फेज इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे Sentinel-1 का डाटा में, तो मैं इसमें SLC जो है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने इसे डैम बनाना है 10 मीटर का, तो उसके लिए मुझे फिर जो है वो SLC प्रोडक्ट चाहिए होगी। तो मैं सिंपल जो है वो SLC प्रोडक्ट पे एंटर करता हूँ और इसको डेट दे देता हूँ कोई 4 दिन पीछे की, और सिंपल जो है वो मैं इसको सर्च कर देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे मैंने इसको सर्च किया तो इसने जो है मेरे उस एरिया के मुताबिक जो इसके पास टाइलें अवेल थी उसने मुझे टाइलें शो करवा दी। तो मेरे एरिया के कंपेटिबल जो टाइल थी मैंने उसको ऊपर क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो है वो इसके रिजल्ट शो हो रहे हैं। मैं ये करूँगा सिंपल, मुझे जिस स्टेट की भी चाहिए होगी उस स्टेट के सामने जो है वो प्रॉपर इसका ऊपर नाम लिखा होगा, मिशन Sentinel-1 सेंसिंग टाइम लिखा होगा, आगे इंस्ट्रूमेंट सार है, अगर साइज़ लिखा होगा, और नीचे अगर मैं आता हूँ तो मुझे इसकी प्रोडक्ट इन्फो है,
जूम टू प्रोडक्ट है, और इसके आगे लेयर टू प्रोडक्ट है, और आगे डाउनलोड का ऑप्शन है। मैं सिंपल डाउनलोड के ऑप्शन पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये इधर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये डाउनलोडिंग 100% पे कंप्लीट होगी तो ये ऑटोमेटिकली इसके सिस्टम के डाउनलोड ड्राइव में ये डाटा शो करवा देगा। तो फिलहाल मुझे ये डाटा डाउनलोड नहीं करना, हम जस्ट इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैं इसको जो है वो इधर से कैंसिल कर देता हूँ। ये काफ़ी जो है ना वो बड़ी बड़ी टाइलें होती हैं, तो इसलिए मुझे अभी इसको जो है ना वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सिंपल मैं बैक टू सर्च जाता हूँ। इसी तरह अगर मैंने SLC की जगह पे ग्रिड सेलेक्ट किया, GRD जो उसकी प्रोडक्ट है Sentinel-1 की, सर्च करता हूँ, तो एज इट इज़ जो है वो मुझे इसके ऊपर जो है वो अपनी जो उसके कंपेटिबल टाइल है वो शो करवा रहा है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें उसमें विजुलाइज का ऑप्शन नहीं था आ रहा, मतलब वो थ्री फेज इन्फॉर्मेशन थी उसमें। इस तरह के एनालिसिस जो होते हैं वो कम होते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए SLC जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। तो सिंपल डाउनलोड करने का इसका भी वही तरीकाकार है, लास्ट डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारी प्रोडक्ट डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट इसका हमने विजुलाइज एक्सप्लोर करना है तो विजुलाइज पे क्लिक करते हैं। तो इसके लेयर्स में सबसे पहले RGB रेशियो आ गई है। आप देखते हैं जैसे ही RGB रेशियो पे आया है तो ये अपनी इसने एक प्रोडक्ट शो करवा दी है जिसमें जो वाटर इन्हांसमेंट देख लें आप, बहुत ही क्लियरली आ रही है। कर्वेचर को भी बहुत डिफरेंट कलर पैटर्न से शो करवा रहा है। उसके बाद सार अर्बन आ जाता है। सार अर्बन में देखें ये एक नाइट विजन के अकॉर्डिंग टू उसने जो है ना वो इसको सेट किया हुआ है। आगे इन्हांसमेंट विजुलाइजेशन आ जाती है, इसमें भी वो जो है वाटर एक्चुअल जो इसकी Sentinel-1 की जो एक्चुअल इमेज डाउनलोड करने के बाद जो नज़र आती है ये वो वाली इमेज है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट जो उसकी एक मेन है प्रोडक्ट थीम जो है ये वो है। तो सब उसके नीचे फिर VH जो है वो इसका एक बैंड है VV VV VH VV VV HH, तो हमने इसको VH वाला बैंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए जो इसकी एक्चुअल प्रोडक्ट है, जिसकी जो इसकी एक्चुअल प्रोडक्ट की जो बिल्कुल मतलब इसकी प्रोडक्ट की एक्चुअल जो हालत होती है उस हालत में है। आगे VH, आगे फिर VV, ये जो है वो लीनियर टू DB भी हुआ हुआ है। इसमें जो है मतलब हमने काफ़ी हद तक जो है ना इन्होंने वो हमें हमारे ऊपर फिल्टर अप्लाई करके हमें ये इमेज दी होती है, वरना हमें स्नैप टूल में ये सारे फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर VV लीनियर टू गामा, अगर हमने इसको भी इधर से डाउनलोड करना तो सिंपल हम जो है वो राइट साइड में आते हैं तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है हमारे पास, जो एरिया जहाँ से लगाते हैं उसी बार के नीचे एक डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एनालिटिक्स में आता हूँ तो ये मेरे पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि मैंने किस ऑप्शन में इसको डाउनलोड करना है। तो मुझे फ़िलहाल इसको डाउनलोड नहीं करना, मैं इसको एक दफ़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने डाटा इसमें से निकालना हो वो आप इसमें निकाल सकते हैं। तो ऊपर डिफ़ॉल्ट में जो है थीम है वही सारी चीज़ें एग्रीकल्चर, जियालॉजी, अर्बन, एटमोस्फेरिक, जो जो चीज़ें आप इसमें जो थीम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू उसको आपको चाहिए वो चीज़ें आप इसमें, वेजिटेशन की आ जाती है। सबसे वेजिटेशन पे क्लिक करता हूँ तो सबसे ऊपर जो है ये इसने जो हमें कलर दिया है एनालिसिस है वो आई थिंक इसने हीट मैप का दिया हुआ है हमारे पास जो है। उससे नीचे इसने ट्रू कलर बैंड जो जिसमें जिस जिस जगह पे नमी है थोड़ी थोड़ी वो नमी के अकॉर्डिंग जो है ना उसने कलर डिफरेंस करके दिया हुआ है। तो हम जो है अभी इसमें अगर और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी है जिस तरह एग्रीकल्चर एक्सप्लोर करना है तो हम एग्रीकल्चर जो है इसमें एग्रीकल्चर अलोंग दी नाइल रिवर के जो जी ये NDVI वाला जो फार्मूला है इसने वो हमें अप्लाई करके दिया हुआ है इसके ऊपर। तो इस तरह हम फर्दर आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो इसके ऊपर जितने भी आपने लगाने हैं वो आप इजीली लगा सकते हैं। तो मैं बैक टू सर्च जाता हूँ।
सर्च के ऑप्शन पे गए, गो टू सर्च बैक एंड सेंटिनल 1 को मैं क्लोज करता हूँ। तो अभी जो है वो हमारी आज की क्लास में बस यही था, हमने इस एरिया में इस ब्राउज़र में सेंटिनल 1 को एक्सप्लोर किया है। अगर इसमें से आपने कोई डाटा डाउनलोड करना है तो सिंपल आप अगर रॉ डाटा डाउनलोड करना है तो वो भी आपको बता दिया, अगर आपने एनालिसिस के साथ कोई डाटा डाउनलोड करना है तो वो भी आप राइट साइड से इमेज डाउनलोड करने के ऑप्शन से जो है वो इजीली जाके डाटा जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी सेंटिनल 2 को। तो उसमें इसमें बहुत क्लियर फीचर, बहुत क्लियर एनालिसिस भी दिए हुए हैं, रॉ डाटा भी हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम एक सेंटिनल 2 का रॉ डाटा डाउनलोड करके उसको किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करके भी देखेंगे कि अगर रॉ डाटा हम डाउनलोड करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है और हम उसको किस तरह व्यू कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आज की वीडियो देखने का, तो साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया।